मौसम है जी। तो क्या सर जो खबर आ रही है कि महागठबंधन का स्वरूप नहीं ले पा रहा है महागठबंधन? नहीं नहीं, टाइम पर सब ले लेगा, अभी टाइम है, दो तीन दिन में सब, पहले भी लिया था और अभी भी सेफ पर ही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो लोग अपना प्रयासरत रहते हैं, सभी महागठबंधन के लोग अपना प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं आपस में मनमुटाव नहीं है। आप लोग जो डिमांड जो था 11 का, वो 11 डिमांड है या डिमांड सब लोग? कोई डिमांड नहीं था, सब आदमी को मिलके NDA को हराना है, यही डिमांड था। हम लोग उस दिल्ली में सारे लोग बैठे थे, उसमें यही तय हुआ था जो हम लोग को एक सूत्री कार्यक्रम है, NDA को हराना है, देश से उसके बाहर करना है, देश से मतलब सत्ता से, जनता यही चाहती है, उस पर हम लोग एक मत थे। सीट का जब होगा तो आपको एक दो दिन पता होगा, पहले थे सहमत थे, अब सहमत नहीं है? नहीं नहीं, सभी लोग अभी भी सहमत हैं जी। जो बात हो गई सहमति की, तो असहमति तो तब न होगी जब हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे। तो बैठने के लिए जा रहे हैं? नहीं बैठेंगे, फिर बैठते ही रहते हैं, इंटरेक्शन तो रहता ही है। नहीं, जो खबर आ रही है कि आप ही बताइए, आपसे मेरी कोई बात हो गई, तय हो गया, तो वो तो तब न खत्म होगा जी। फिर हम लोग बैठ के आप कहेगा हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे, वो तो बैठना पड़ेगा ना फिर। तो अपने मन से कोई आ जाएगा तो इतने मानेंगे हम लोग, जब तक बात नहीं हो जाएगी आपस में क्या मामला है। हम लोग कभी सीट के बारे में नहीं बात किए हैं, हम लोग आपस में, आपको शुरू से ही मेरा वक्तव्य देख लीजिए, जब उद्देश्य एक रहता है तो सीट एक दो आगे पीछे कोई मायने नहीं रखता। मैंने RGD लगातार करेगी, 7 से 8 सीट हम उससे जरा नहीं देंगे, मतलब क्या कोई RGD के लोग नहीं कह रहे हैं, कोई अथॉरिटी वाले कहेंगे तो उस पर ना बात करेंगे। अब मान लिया हम सब लोग अपने अपने बोलते हैं, सबकी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें, दूसरा कम लड़ें, हम ज़्यादा लड़ें, इस पर हमेशा कमेंट देना उचित नहीं। सीट का ऐलान होगा, आप दिल्ली जा रहे हैं या कि अभी भी? सीट का ऐलान पटना में होगा, जल्द होगा। हाँ जल्द कुछ ले हैं।